इसको मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता है सर, ये है, ये खून ही है मेरा ब्रांड। सामने कोई भी हो, मैं झुकेगा नहीं। इसी धमाकेदार डायलॉग के साथ खत्म हुई थी पुष्पा द राइज फिल्म के आखिर में पुष्पाराज और श्रीवल्ली की शादी हो जाती है और कहानी एक नए मोड़ पर आकर रुक जाती है। वापस वहीं से शुरू होगी कहानी। पुष्पा द रूल वहीं से शुरू होगी जहां से पहला पार्ट खत्म हुआ था। फिल्म 6 दिसंबर को सिनेमाघरों में धमाका करने के लिए तैयार है। हाल ही में फिल्म का क्लाइमैक्स सीन शूट किया गया और इसे देखकर यही कहा जा सकता है कि ये फिल्म पहले पार्ट से कई गुना बड़ी होने वाली है। अब तक फिल्म का टीजर और दो गाने रिलीज हो चुके हैं। टीजर में अल्लू अर्जुन अपने धमाकेदार जथारा वाले लुक में नजर आए थे और गानों को भी जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। पहली फिल्म 15 अगस्त को आने वाली थी लेकिन फिल्म का काम पूरा नहीं हो सका जिसके चलते रिलीज डेट को आगे बढ़ाना पड़ा। अब फिल्म का लगभग पूरा काम हो चुका है और शूटिंग के साथ साथ फिल्म की एडिटिंग भी तेजी से चल रही है। 6 दिसंबर को महाक्लेश, लेकिन 6 दिसंबर अल्लू अर्जुन के लिए आसान नहीं होने वाला। इसकी वजह है विकी कौशल और रश्मिका मंदाना की फिल्म छावा। जी हाँ, पुष्पा द रूल के साथ ही विकी कौशल की ये बड़ी फिल्म भी रिलीज हो रही है। इस फिल्म का टीजर हाल ही में रिलीज हुआ था जिसमें विकी कौशल छत्रपति संभाजी महाराज के किरदार में धमाल मचा रहे हैं। उनके जबरदस्त परफॉर्मेंस को देखकर ऐसा लग रहा है कि पुष्पाराज को कड़ी टक्कर मिलने वाली है। लेकिन ये तो बॉक्स ऑफिस का मुकाबला है। अब आइए बात करते हैं उन खतरों की जो फिल्म में अल्लू अर्जुन और पुष्पाराज के सामने आने वाले हैं। भावर सिंह शेखावत, फहद फाजिल द्वारा निभाया गया ये किरदार पहले पार्ट में अल्लू अर्जुन के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द साबित हुआ था। भावर सिंह शेखावत की एंट्री फिल्म के आखिरी हिस्से में होती है और उनकी और पुष्पाराज की पहली मुलाकात पुलिस स्टेशन में होती है। यहां से ही दोनों के बीच दुश्मनी की शुरुआत होती है लेकिन वक्त के साथ दोनों के बीच दोस्ती भी हो जाती है। हालांकि फिल्म की एंडिंग में पुष्पाराज अपने साथ हुई बदतमीजी का ऐसा बदला लेता है जिसकी भंवर सिंह शेखावत ने कल्पना भी नहीं की होती। दूसरे पार्ट में इस दुश्मनी को और भी बड़ा रूप मिलने वाला है। अल्लू अर्जुन और फहाद फाजिल के बीच जबरदस्त क्लैश देखने को मिलेगा जो दर्शकों को रोमांच से भर देगा। मंगलम श्रीनु, पुष्पा द राइज में मंगलम श्रीनु का खतरनाक अंदाज देखने को मिला था। फिल्म की शुरुआत में लाल चंदन बेचने का कारोबार मंगलम श्रीनु के हाथ में होता है लेकिन पुष्पाराज के आने के बाद उससे ये काम छिन जाता है। पुष्पाराज उसके साले को भी मार देता है जिसकी वजह से मंगलम श्रीनु की बहन उससे बदला लेना चाहती है। दूसरे पार्ट में यही बहन पुष्पाराज के लिए बड़ी चुनौती बनेगी। सौतेला भाई अजय, पुष्पाराज का सौतेला भाई जो उसकी शादी से खुश नहीं है उसके लिए एक और बड़ी चुनौती बनने वाला है। फिल्म में पुष्पाराज अपने सौतेले भाई से लगातार टकराव की स्थिति में रहता है और ये टकराव दूसरे पार्ट में और भी बढ़ सकता है। महासंग्राम की तैयारी, तो तैयार हो जाए क्योंकि 6 दिसंबर को अल्लू अर्जुन और पुष्पाराज के सामने आएंगे ये तीन खतरनाक विलेन। लेकिन क्या पुष्पाराज इन सभी खतरों से निपट पाएगा और क्या विकी कौशल की छावा से क्लैश में पुष्पा द रूल बाजी मार पाएगी, ये जानने के लिए हमें 6 दिसंबर तक इंतजार करना होगा।